तो गैस के जे ओसो बन सकते हैं न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के जे ओसो, वो सुपरस्टार होंगे द ओसोस ब्रदर में जो WWE के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीतेंगे। तो गैस आज की इस वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लास्ट में देखना। तो गैस मैं हूँ जी और आप देख रहे हैं अलोन रेसल से। तो अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को हमेशा की तरह लाइक सब्सक्राइब कमेंट लास्ट में कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को हमेशा ही रेसलिंग का कंटेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो गैस जैसे कि हम सब जानते हैं, हमें फर्स्ट टाइम एवर मैच देखने को मिला है डैमियन प्रिस्ट वर्सेस जे ओसो का WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और ये मैच होगा बैकलैश 2024 में जो 5 मई को हमें देखने को मिलेगी। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि जे ओसो इस मैच में जीत सकते हैं या नहीं, बल्कि एक रूमर्स है और एक एक्सपेक्टेशन है। तो इस ऐसा होगा या नहीं ये तो खैर हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन इस बारे में रूमर्स और मेरा क्या सोचना है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूमर्स के। तो रूमर्स के हिसाब से इस मैच में डैमियन प्रिस्ट को ही विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि डैमियन प्रिस्ट हाल ही में ही यानी कि न्यू WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीते हैं कैश इन करके। तो ऐसे में WWE बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उनसे इतनी जल्दी टाइटल को लिया जाए, तो इस वजह से डैमियन प्रिस्ट इस मैच में अपने टाइटल को रिटेन करेंगे कैसे भी करके। और अगर बात कीजिए इस मैच में क्या होगा, तो इस मैच में जजमेंट डे इंटरफेयर करेगी और जे ओसो इस वजह डिस्ट्रैक्ट होकर अपना मैच हार जाएंगे, और डैमियन प्रिस्ट अपने टाइटल को रिटेन करेंगे लेकिन जजमेंट डे की हेल्प की वजह से। और अगर बात की जाए यानी कि जो मेरा सोचना है, तो जे ओसो के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका है। उन्होंने भी कहा था कि उनके पास ये एक लास्ट मौका है खुद को यानी कि खुद को प्रूफ करने का। और कहीं से अगर थोड़ा सा पॉजिटिव वे में सोचा जाए, तो WWE हमेशा वही करते हैं जो WWE फैंस चाहते हैं, और WWE फैंस हम सब अच्छे से जानते हैं कि WWE फैंस कितना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं जे ओसो को जब से उन्होंने ईट वाला करेक्टर को अपनाया है। तो इस वजह से WWE की आपता ये स्टेप उठा भी ले कि जे ओसो को WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप जितवा दे, लेकिन ये तो खैर हमें पता चल ही जाएगा। तो इस बारे में आप लोगों का क्या सोचना है, क्या प्रिडिक्शन है, क्या थिंकिंग है, मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना। और गाइस और अगर ऐसा सच में जे ओसो बैकलैश में WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीते हैं, तो ये सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल का बेस्ट मोमेंट हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग मोमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि आज से पहले जे ओसो ने कभी भी WWE टाइटल के लिए मैच नहीं किया और ना ही WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को जीता है। हाँ, हालांकि टैग टीम चैंपियनशिप ज़रूर जीते हैं जे ओसो ने, लेकिन WWE टाइटल की अपॉर्चुनिटी भी कभी नहीं मिली। तो ये फर्स्ट टाइम एवर होने जा रहा है कि जे ओसो को इतना बड़ा मौका मिला है, और अब तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि देखना कि WWE किस डायरेक्शन में जाती है, या डैमियन प्रिस्ट की तरफ जाती है या फिर जे ओसो के साइड जाती है। लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो डैमियन प्रिस्ट के हैं, तो इसलिए जो जे ओसो का फ़ैन है वो ज़्यादा दिल पर ना लगाना कि जे ओसो को विक्ट्री नहीं मिली। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग इन दोनों सुपरस्टार में से किस सुपरस्टार को सपोर्ट करें। तो बस आज की इस वीडियो में यहीं तक अपडेट थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर लास्ट में कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।